मंजुलिका मैं महसूस कर सकता हूँ। रूप बाबा के रूप में कार्तिक कार्यन और विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की डरावनी फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। जी हाँ दोस्तों, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों अनीस बाजमी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कार्तिक कार्यन रूप बाबा के रूप में वापसी कर चुके हैं, तो वहीं इस फिल्म में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों ही मंजुलिका के किरदार में हैं। जी हाँ दोस्तों, इस 3 मिनट 50 सेकंड के ट्रेलर में रूप बाबा के सामान्य हरकतों और तृप्ति डिमरी के साथ उनके रोमांस से शुरू होता है और इसकी कहानी रक्तघाट नामक एक राज्य से सामने आती है। और वहीं इस ट्रेलर में एक आश्चर्यजनक मोड़ भी सामने आता है और ये मोड़ इस फ्रेंचाइजी में 2 मंजुलिकाओं के बीच होती है, जहां पहला नाम विद्या बालन का है तो दूसरा माधुरी दीक्षित का। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेलर में एक खौफनाक मोड़ के साथ माधुरी दीक्षित का किरदार एक सदियों पुरानी आत्मा के रूप में सामने आता है, जो राजघाट के लोगों को परेशान करने के लिए छोड़ी गई है। फिलहाल बात करें इस फिल्म के कास्टिंग के बारे में, तो दोस्तों अनीस बाजमी द्वारा निर्देशित यह हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की 3री फिल्म है और इस फिल्म में कार्तिक कार्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के अलावा राजपाल यादव, विजय राज, अश्विन राजेश शर्मा, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल है। वही बात करें इस फिल्म की रिलीज के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म 1 नवम्बर को दिवाली के मौके पे रिलीज किया जाना है और इस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन से होने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फिल्म भूल भुलैया का ये डरावना ट्रेलर और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।